टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में GMRT के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में GMRT को प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स यानी IEEE माइलस्टोन स्टेटस मिला है। यह स्टेटस GMRT को रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में साइंटिफिक योगदान इंजीनियरिंग एवं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए मिला है। GMRT IEEE माइलस्टोन स्टेटस पाने वाला भारत का तीसरा साइंटिफिक फैसिलिटी बना है। अन्य दो भारतीय साइंटिफिक फैसिलिटी जिन्हें IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्राप्त है वह हैं जगदीश चंद्र बोस द्वारा रेडियो तरंग का जनरेशन और रिसेप्शन प्रकट किया जाना, CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज। आइए जानते हैं GMRT के बारे में। इसका पूरा नाम जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है। इसमें 30 रेडियो टेलीस्कोप हैं। GMRT पुणे जिला महाराष्ट्र के जुन्नार तालुका में स्थित है। GMRT का संचालन TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के NCRA यानी नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा होता है। GMRT स्वर्गीय गोविंद स्वरूप के दिमाग की उपज मानी जाती है। गोविंद स्वरूप को भारत में रेडियो एस्ट्रोनॉमी का पिता कहा जाता है। GMRT वर्ष 2000 से ही लो फ्रीक्वेंसी में ब्रह्मांड का अध्ययन करने में सहायता कर रहा है। 40 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा का प्रयोग किया है। हाल ही में इसका पहला अपग्रेडेशन हुआ जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में और गहन अध्ययन करने में सहायता मिल रही है। आइए जानते हैं इसकी अन्य प्रमुख बातें। IEEE विश्व का सबसे बड़ा टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। IEEE किसी संस्थान को उसके इंजीनियरिंग साइंस एवं कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज के आधार पर IEEE माइलस्टोन स्टेटस देने पर विचार करता है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। GMRT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह IEEE माइलस्टोन स्टेटस पाने वाला भारत का तीसरा साइंटिफिक फैसिलिटी बन गया है। दूसरा, यह पुणे महाराष्ट्र के जुन्नार तालुका में स्थित है। तीसरा, 40 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा का प्रयोग किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।